ये देखिए यहां पे, ये रहा फ्रैक्चर। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर विश्वजीत, फिजियोथेरेपी। आज की इस वीडियो में हम लेटरल टिबियल प्लेटी फ्रैक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बने रहिए एंड तक। जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देर के। तो सबसे पहले लेटरल टिबियल प्लेटी फ्रैक्चर क्या है? टिबिया का जो प्रॉक्सिमल कॉन्डाइल है उसे कहते हैं प्लेट्यू। जो फ्रैक्चर प्लेट्यू के लेटरल साइड की तरफ यानी कि बाहर की तरफ हो उसे कहते हैं लेटरल टिबियल प्लेट्यू फ्रैक्चर। अब ये सबसे कॉमन और कॉम्प्लेक्स इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर है जो कि हाई एनर्जी और लो एनर्जी फोर्सेस की वजह से होती है। ये तीन तरह के फोर्सेस की वजह से होता है। पहला वैरस या वैल्गस फोर्स, दूसरा एक्सियल फोर्स, तीसरा रोटेशनल फोर्स। ये बहुत ज्यादा कॉमन होता है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में या फिर स्पोर्ट्स इंजरीज में जो कि बहुत ज्यादा हाई वेलोसिटी की होती है, जैसे कि बाइक रेसिंग, हॉर्स राइडिंग या फिर स्कीइंग। टीबियल प्लेट्यू फ्रैक्चर कई तरह के होते हैं, लेकिन 55 से 70% तक लेटरल टीबियल प्लेट्यू फ्रैक्चर ही होता है जो कि बहुत ज्यादा कॉमन है। अब इसकी रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस कैसे करें? पहला, आप प्लेन एक्सरे करा सकते हैं जिसमें आप एपी व्यू ले सकते हैं यानी कि इंटीरियर पोस्टीरियर व्यू यानी कि आगे पीछे वाला व्यू, और लेटरल व्यू करा सकते हैं। दूसरा, आप सीटी स्कैन करा सकते हैं, और तीसरा आप एमआरआई करा सकते हैं, लेकिन एमआरआई एक्यूट केसेस में सही टूल नहीं होता। अब हमारे पास जो फ्रैक्चर है ये स्कैस्कर टाइप 1 में आता है, जो कि फ्रैक्चर ऑफ लेटरल टिबियल प्लेट्यू विदाउट डिप्रेशन, और टाइप 2 है विद डिप्रेशन। लेकिन हालांकि इसमें कोई डिप्रेशन नहीं है तो ये टाइप 1 में ही आता है, स्कैस्कर टाइप 1 फ्रैक्चर। टिबियल प्लेट्यू फ्रैक्चर में 50% केसेस में हम सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज देख सकते हैं, जैसे कि मेनिस्कस इंजरी जिसमें लेटरल ज्यादा इन्वॉल्व होता है मीडियल से, एसीएल की इंजरी, एलसीएल की इंजरी, और कुछ केसेस में कंपार्टमेंट सिंड्रोम भी। अब बात करते हैं इसके आउटकम मेजर्स के बारे में। तो टीबियल प्लेट्यू एक बहुत ही मेजर वेट बेयरिंग ज्वाइंट है, तो हमेशा इसकी मैनेजमेंट अलाइनमेंट और आर्टिकुलर कॉन्ग्रुएंसी के ऊपर फोकस होती है, और कॉमनली इसकी मैनेजमेंट ओपन रिडक्शन एंड इंटरनल फिक्सेशन से होती है। अब इन केसेस में पोस्ट टिबियल प्लेट्यू फ्रैक्चर ऑस्टियोआर्थराइटिस बहुत ज्यादा कॉमन होता है, क्योंकि इसमें आर्टिकुलर सरफेसेस की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, इसलिए ऑस्टियोआर्थराइटिस होना जाहिर सी बात है। जब आपने इसकी मैनेजमेंट कर ली बाय सर्जरी और विदाउट सर्जरी, कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं जैसे कि पेन, जॉइंट स्टिफनेस, मसल की वीकनेस, या फिर डीप वेन थ्रोम्बोसिस, या फिर पल्मोनरी एम्बोलिज्म। आपको हमेशा एक फिजियोथेरेपिस्ट की मदद लेनी चाहिए जो कि फंक्शनिंग को जल्दी ला सके, मसल को स्ट्रेंथन कर सके और आपको ऑप्टिमम फंक्शन में हेल्प करा सके। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप कुछ हमें बताना चाहते हैं या रेक्टिफाई करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप अपना ओपिनियन डाल सकते हैं। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए।